शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी, दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी, आएगा दुख पर दुख भान नहीं होने देगा। पांव में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या, जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है तो चोट नहीं लगेगी, ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पांव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ, अगर नंगे पैर होता चोट लगती तो ज्यादा लगती। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छी उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव, घर घर महादेव।